राग भैरव। राग भैरव की उत्पत्ति भैरव थाट से ही हुई है, अतः इस राग को भैरव थाट का जनक राग कहा जाता है। इस राग में ऋषभ और धैवत अर्थात रे और ध ये दोनों स्वर कोमल और अन्य शेष स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इस राग के आरोह में सात और अवरोह में भी सात स्वर प्रयोग किए जाते हैं, अतः इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर धैवत अर्थात ध है और संवादी स्वर ऋषभ अर्थात रे है। इस राग का गायन समय प्रातः काल है। इस राग की प्रकृति करुण और गंभीर है। इस राग में ख्याल, ध्रुपद, धमार और तराना गाए बजाए जाते हैं। राग भैरव की आरोह, अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह। सा रे गा और अब अवरोह। और अब सुनिए पकड़। अब प्रस्तुत है राग भैरव की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग भैरव की स्वर मालिका की स्थाई। ग म ध प ध प म ग प म ग म रे सा ग म ध प ध प म ग प म ग म रे सा नि सा ग म प द नि सा द सा नि ध प म ग नि सा ग म प द अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। प प प ध नि नि सा 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 नि सा सा प प प ध नि नि सा 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 नि सा सा ध नि सा रे सा सा ध सा नि ध प म ग ध नि सा रे सा सा ध सा अभी आपने राग भैरव की स्वर मालिका सुनी।
अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं जागो जागो हुआ सवेरा। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। जागो अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। सूरज की झील मिले किरणों ने, सूरज की झील मिले किरणों ने, वसुंधरा पर किया बसेरा, अभी आपने राग भैरव की स्वर मालिका सुनी, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना। राग रस बरसे